Question number 25. The angles of depression of the top and bottom of a 8 meter tall building from the top of a multi-storied buildings are 30 degree and 45 degree. So देखिए यहाँ पर दो buildings हैं, एक है 8 meter tall building. So let's take कि ये वो building है which is 8 meter tall, right? Next कहते हैं कि एक और building है जो कि multi-storied buildings है. तो multi-storied building इसके front में मान लेते हैं यहाँ पर है और ये level of ground हो गया, ठीक है? Okay, now it says from the top of a multi-storied building, angle of depression. ये ना multi-storied building, इस building से हम view कर रहे हैं, है ना? यहाँ से view कर रहे हैं और अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो बनता है angle of depression. The angles of depression कहाँ कहाँ पर बन रहा है? एक तो top में and bottom में. So ये दो angles बन रहे हैं. हम join कर देते हैं line को. ये दो angles बन रहे हैं. एक ये वाला और एक ये वाला एंगल, है ना? ये एंगल बनते तो ऑब्वियसली यहाँ पर है, बट जब आप इन लाइन को पैरेलली ज्वाइन कर लेंगे तो ये कौन से एंगल होंगे? ये यहाँ बनेंगे एंगल्स. तो जो बिग एंगल है दैट कैन बी टेकन एज 45 डिग्री, दूसरा एंगल कैन बी टेकन एज 30 डिग्री. सो 30 डिग्री और 45 डिग्री के दो एंगल्स हमने बना दिए एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 8 मीटर. अब हमें निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स. हमें दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है. एक तो हमें ये टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है ना बिल्डिंग की. तो मैं इसे बिल्डिंग कह देती हूँ मल्टी स्टोरीड, और ये जो बेस का डिस्टेंस है दोनों बिल्डिंग्स का, हमें ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है. एक काम करते हैं, इस डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं, ठीक है? और ये जो पूरी हाइट है, इस पूरी हाइट का एक पार्ट तो हमें पता है. हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 8 मीटर गिवन है. ये वाली हाइट 8 मीटर गिवन है. सो इसका मतलब ये भी 8 मीटर हुआ. आउट ऑफ 8 मीटर अगर मुझे ये वाली हाइट पता करनी हो तो क्या हम बता सकते हैं कितनी है? ये होगी बी माइनस 30, है ना? सॉरी, बी माइनस 8. ये टोटल बिल्डिंग की हाइट हो गई. बिल्डिंग की हाइट में से हम 8 मीटर माइनस कर देंगे तो बच जाएगी ये वाली हाइट. वैसे ये हाइट क्यों फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमारी जो ट्रायंगल 30 डिग्री वाली है उसके अंदर भी हमारे पास जो परपेंडिकुलर हाइट है वो होनी चाहिए. तो 30 डिग्री वाली ट्रायंगल के अंदर बेस हमने ले लिया अब एक्स, और परपेंडिकुलर हाइट हो गई बी माइनस 8. और 45 डिग्री वाली ट्रायंगल में क्या होगा? यस, 45 डिग्री वाली ट्रायंगल में बेस है एक्स डिग्री और परपेंडिकुलर हाइट है बी. अब दोनों ट्रायंगल में टेंजेंट लगाते हैं. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टेंजेंट 30 डिग्री से. टेंजेंट 30 डिग्री लगाने पर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज बी माइनस 8, है ना? डिवाइडेड बाय बेस कितना है? एक्स. टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3. सो 1/√3 इक्वल्स बी माइनस 8 अपॉन एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो रूट थ्री इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेगा, रूट थ्री इंटू बी माइनस 8. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 दे के यहीं छोड़ दिया. दूसरे ट्राइंगल पर आए, दूसरी ट्राइंगल जिसमें एंगल बनता है 45 डिग्री का. 45 डिग्री वाली जो ट्राइंगल है इसमें भी अगर हम टेंजेंट 45 लगाते हैं तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा. परपेंडिकुलर कितना है? बी, है ना? ये पूरा का पूरा बी हो गया. बेस कितना हो गया? एक्स हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट 45 1, राइट? 1 इक्वल्स बी अपॉन एक्स. तो एक्स की वैल्यू आ गई बी, विच इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमारे पास दो दो इक्वेशंस हो गई है ना? अब एक्स की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं. कहाँ पर? इक्वेशन नंबर 1 में. सो क्या होगा? बी इक्वल रूट 3b माइनस 8. ये समझ आया कैसे किया? हमने ये जो वैल्यू है ना ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी. सो इस पार्ट से क्या सॉल्व हो जाएगा? अब वैल्यू सॉल्व करने के लिए माइनस 8 को यहाँ ले आते हैं, बी को यहाँ ले आते हैं. माइनस 8 यहाँ कर पॉजिटिव हो जाएगा और रूट 3b और बी यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है? अब इस पार्ट को सॉल्व करना आता है आपको. यस, इन दोनों में से हम हमेशा बी कॉमन लेते हैं और यहाँ रखते हैं रूट 3 माइनस 1. सो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1, है ना?
तो क्या हम आंसर इतना छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, रैशनलाइज हमें करना ही होगा। रैशनलाइज करते हैं, सो एट इक्वल्स सॉरी बी इक्वल्स एट अपॉन रूट थ्री माइनस वन, और रूट थ्री माइनस वन जब फिर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, याद है ना? सो अब क्या करें, अब ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा, सो एट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट थ्री और वन, तो मुझे ब्रैकेट में रखना होगा, लेकिन डेनोमिनेटर में क्या होगा, डेनोमिनेटर में रूट थ्री का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री और ये बचेगा माइनस वन।